नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेवल योगा के एक और एपिसोड में। तो कैसे हो आप लोग और क्या चल रहा है इंडिया में, या आप जहाँ भी हो क्या चल रहा है वहाँ पे आपके देश में। सिंगापुर में तो आजकल बहुत महंगाई चल रही है यार, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। तो आज जैसे मैं अभी बताता हूँ, मैं जैसे ब्रेड लेके आया, तो कोविड से पहले वो ब्रेड $2 की आती थी और अभी वही ब्रेड $2.70 की हो गई है। तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास यार, मतलब महंगाई काफ़ी बढ़ गई है यार। तो अभी मैं कुछ सब्जी वब्जी लेके आया तो मैंने सोचा कि उनके प्राइस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो काफ़ी महंगाई सी बढ़ गई है यार। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं दूध, ये मतलब मैं टमाटर लेके आया और टमाटर के साथ में मैं ये फली, इसके यहाँ क्या बोलते हैं आपके यहाँ इसको, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपके यहाँ इस फली को क्या बोलते हैं यार, हम तो ग्वार की फली बोलते हैं। और यहाँ कुछ ये कुछ मैं दम आलू लेके आया, ये कुछ दम आलू में लेके आया हूँ। तो भाई ये जो सारा सामान मैं लेके आया, तो मैं आपको एक बार वेट लिस्ट में दिखा देता हूँ इसकी। तो मेन चीज़ मैं कुछ चीज़ें लेके आया और इसमें फोकस हो जा, अरे यार फोकस नहीं हो रहा है। तो ये मैं मेन दिखा देता हूँ आपको। तो मैं दूध लेके आया, दो लीटर का दूध है $6 का, यानी भी 60 की अगर मैं रेट लगाता हूँ सिंगापुर डॉलर की, तो भाई $6 की डेट वो लेके आया मैं दूध, 2 लीटर दूध है यानी 36,360 रुपये का दूध हो गया मेरा। वेज टमाटो लेके आया मैं एक किलो 600 ग्राम के आसपास, तो मेरा ये करीबन $5 के पास, यानी 300 रुपये के मेरे ऑलमोस्ट एक किलो 600 ग्राम मेरे टमाटर है। वेज क्लस्टर बीन्स जो मेरी ग्वार की फली है, वो ऑलमोस्ट मैं 700 ग्राम लाया, 700 ग्राम ग्वार की फली ग्रीन बीन्स मेरी है $5.11 की, यानी यार ये काफ़ी महंगी हो गई। पाँच छाइए भी करीबन 300 के आसपास की हो गई है। और मेरा वेज स्मॉल ओनियन पोटैटो, तो ये मैं बेबी पोटैटो, ये मैं दम आलू बनाने के लिए लेके आया मैं, ये भी मेरे को करीबन 600-700 ग्राम है मेरे, और ये मेरे को पड़े हैं 4 × 4 = 24, ये भी करीबन 250 रुपये के आसपास के पड़े हैं। टोटल बिल मेरा ये, मैंने 4 सब्जी दूध लिया है और 3 सब्जी, तो ये मेरा करीबन $20 के आसपास का बिल आया, $20.10 का बिल है, यानी करीबन 1200 रुपये के आसपास का मैं सामान आ गया, मतलब 3 सब्जी और एक दूध है करीबन 1200 रुपये का। तो यार काफ़ी महंगाई बढ़ती जा रही है। आटे की भी बात, आटा तो अब थोड़ा मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया था यार लोगों ने, मतलब इंडिया ने अभी एक्सपोर्ट बैन कर रखा है, लेकिन हाँ अब थोड़ा मतलब $11-12 या $10 में भी आटा मिलने लगा है 5 किलो का, यानी $10 यानी 600 रुपये के आसपास 5 किलो आटा मिल रहा है यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले हमने करीबन 1200 रुपये का $20 का भी 5 किलो आटा खरीदा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इंडिया से आटा नहीं आ रहा था, तो कहीं सऊदी अरब से आटा आ रहा था और श्रीलंका से आटा आ रहा था, तो और बाकी के देशों से आटा आ रहा है। इंडिया से अभी आटा स्टार्ट हो गया है आना, बिकॉज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, क्योंकि इंडिया में वीट की प्राइस बढ़ती जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, ताकि हमारे इंडिया में वीट का जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे आए, और जो हमारे गरीब लोग हैं हमारे जो इंडिया में जो, तो उन लोगों को थोड़ा वो अफोर्ड कर पाए, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उस चक्कर में वीट बढ़ गया था, पर अभी हाँ ऑलमोस्ट नीचे आ गया, 10 आ गया, पता नहीं इससे नीचे आएगा नहीं आएगा, 1 साल 2 साल आएगा। ब्रेड भी काफ़ी महंगी है, रेंटल तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा हो गया यहाँ पे, घर वर मतलब पूरा घर अगर आप लेना चाहते हो, पहली बात तो मिलता नहीं है जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है यार इंडियंस को जल्दी से घर नहीं मिलता यहाँ पे। जैसे जो चाइनीज़ ऑनर हैं तो वो काफ़ी दे देते हैं, पर ज़्यादातर कहते हैं कि वो मलेशियन टेनेंट्स ही प्रेफर करते हैं। उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके साथ में, उसके लिए अलग से क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है सिंगापुर में, तो उसकी वीडियो मैं अलग से थोड़ी सी बनाऊंगा। हालांकि सब्जियों का मतलब यार थोड़ा सा हाँ रेट बढ़े हुए हैं, और पर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, देखो सब्जी तो खानी है तो क्या कर सकते हैं। तो यही है यार मेन तो। और तो अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में या किसी भी तरीके का, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जवाब देने की कोशिश करता हूँ यार हमेशा ही, जैसे भी जिस हिसाब से भी मुझे टाइम मिलता है। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं
नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।